राजस्थान में 2.5 लाख से अधिक संविदा कर्मी विभिन्न विभागों के अंदर काम कर रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए तो इन संविदा कर्मियों का शोषण हो रहा है। एक अल्प मानदेय के ऊपर ये सारे के सारे संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। इस वेतनमान के आधार के ऊपर ये अपने परिवार का संचालन भी नहीं कर सकते, अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार जब चुनावी समर के अंदर थी तो लंबी लंबी घोषणाएं करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर भी कहा था कि संविदा कर्मियों को हम रेगुलाइज करने का काम करेंगे, नियमित करने का काम करेंगे, लेकिन 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज भी ये संविदा कर्मी इस आस और उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि सरकार हमें नियमित करने का काम करेगी, लेकिन कमेटी कमेटी खेलने का काम सरकार कर रही है। आने वाले समय के अंदर बजट सत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम संविदा कर्मियों की आवाज बनने का काम करेगी और राजस्थान के अंदर जितने भी संविदा कर्मी हैं इन सभी संविदा कर्मियों को रेगुलाइज करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव भी बनाएगी और सरकार को कटघरे के अंदर खड़ा करने का काम भी करेगी।